हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। मार्केट में बहुत ताज़े ताज़े गाजर आ रहे हैं और सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो 2 किलो गाजर लाई हूँ और इसे छील ले रही हूँ ऊपर से। तो इस तरह छील के बनाने से जो भी मिट्टी होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह सारे गाजर को छील के साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे गाजर को छील के साफ़ कर ली हूँ। अब इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे गाजर को अच्छे से धो के साफ़ कर ली हूँ। नीचे एक प्लेट रख दी हूँ ताकि सारा पानी प्लेट में आ जाए। अब इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे गाजर को कद्दूकस कर ली हूँ। अब इसे मैं कुकर में बनाऊंगी। झटपट कुकर में बन के तैयार हो जाता है। तो दोनों हाथों से इस तरह पानी को निचोड़ लेंगे, फिर इसे कुकर में डालते जाएंगे। तो इस तरह घिसे हुए गाजर को निचोड़ के कुकर में डाल दी हूँ। एक्स्ट्रा पानी जो बचा है इसे आप पी सकते हैं। अब कुकर को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे गाजर को। तो कुकर को गैस पे चढ़ाती हूँ। अब जो गाजर का जूस है उसे गिलास में छान लूँगी और इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजर आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो इसे फेंके नहीं, इसे पी लीजिए। तो दूसरी साइड कुकर भी सीटी दे चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद इसे खोल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर रख के इसका सारा पानी सुखा देंगे। तो यहाँ पे मैं सारे पानी को सुखाती हूँ। अब इसी में 1 कप चीनी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं घी डाल देती हूँ। अब सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजर का हलवा इस तरह बनाने से बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे मैं बिना दूध के बना रही हूँ और ये गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो गाजर का हलवा पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गाजर अच्छे से बन के तैयार हो गया है, इसमें कोई पानी नहीं है। अब इसे फटाफट निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल दी हूँ गाजर का हलवा। ऊपर से मैं डाल दी हूँ खोआ। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया है। आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।